सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। काम दंड भेदभाव में सब कुछ आता है, गोली चलाना भी आता है। मीटिंग में ये शब्द बोलते हैं, बताओ ना साहब को चाहते हैं, सब लोग कह रहे हैं कि साहब को चाहते हैं। बहन जी थोड़ा सा आप लोग एक साइड में हो रहे, ये हम इसलिए हड़ताल किए हुए हैं क्योंकि यहाँ पर जो भी है कार्य भी कर रहे हैं सबको, अब बात बात पे कहा जाता है कि वेतन रोक देंगे, अब वेतन वाकई नहीं रोक दिया जाता है। हमारा कोई भी स्टाफ पे या कुछ भी हो जाता है उनको, तो हमारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है, उसके लिए वेतन रोका जाता है। ये डॉक्टर संदीप पटेल ये बिल्कुल कराया है, कई बार कराया है, इस बात की सबको सूचना भी दी गई है, कई बार लेटर भी गए हैं सीमो सर के यहाँ भी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता। हम लोग परेशानी से बहुत, इससे मतलब नहीं वो क्या है क्या नहीं, सबके ही कोई ना कोई रिलेटिव कुछ ना कुछ है, लेकिन ये जरूरी नहीं है ना कि उस चीज के लिए अधिकारी है वो अपना हक करके करते हैं। हम लोग अपना हक मांग रहे हैं, सबके अधिकारी है कोई ना कोई है, हम लोग उस चीज का नहीं करते हैं, हमारी ये है वो है, फायदा फायदा नहीं बताया नहीं तेरी। हमको बार बार, मैं संविदा कर्मी हूँ तो संविदा कर्मियों को ये धमकी दी जाती है कि आपको संविदा से निरस्त किया जाएगा और ज्यादातर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, अगर मैं आपके ऊपर कार्रवाई करूंगा तो साड़ी ब्लाउज ये सब फाड़ के आप मेरे ऊपर 76 लगा देंगे, अभद्र भाषा का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। हाँ तो वही तो, और ज्यादातर जब हम लोग किसी कारण परेशानी अपनी जाते हैं बताने तो सबके सामने नहीं घुस, अकेले में वो बुलाते हैं कि 6 बजे आना, जो परेशानी है 6 बजे आना। समस्या थी, मैं आया था हॉस्पिटल, मेरी पर्ची अधीक्षक ने फाड़ के फेंक दी, अच्छा मुझे दवा नहीं किया। कब? ये पिछले बार। अच्छा? फिर अभी तबीयत खराब हुई, फिर आया, कोई डॉक्टर नहीं मिला, यहाँ कंपाउंडर मिल जाओ का, फिर नहीं ठीक हुआ, फिर पलायन भगा, कल बांदा से आया, फिर कल आया, फिर गुमराह करके भगा देते हैं कर्मचारी। अच्छा। सबसे ज्यादा अधीक्षक परेशान किए, अधीक्षक से इतना परेशान है, अधीक्षक के तत्काल ट्रांसफर होना चाहिए। अच्छा, आप कर्मचारियों के साथ में हैं जो लोग हड़ताल किए हैं? जी सर। क्यों ना हो गए, हम लोग इनको घर में सेवा देते हैं। जमा कराने आए थे पेपर, पेपर बंद कर दिया है इन लोगों ने, कहते हैं हड़ताल है, वो हम बताए हैं, वो बहन जी हैं काम बताए हैं, जिनने कहा कह रही है हमारा वेतन नहीं मिला, नहीं ठीक है, कोई भी सर्विस नहीं है, पेंशन नहीं मिला, तो कोई क्या करे, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है यहाँ कुछ इनके वेतन रोके गए हैं तिवारी के द्वारा, जो यहाँ के डॉक्टर साहब हैं जी, और उनका कहना है कि ये बिना बताए हमारी हस्ताक्षर पे भी अल्पस्थित लगा देते हैं और वेतन काटते हैं। उनका कहना है कि मैं किसी का रिश्तेदार नहीं हूँ और अधिकारी की तरह मैं एक जाँच करके यहाँ पर लेके जा रहा हूँ, और जो भी न्यायोचित होगा वो सब इसके मामले में जो मैंने इनके नोट कर लिए हैं, किसका वेतन कब तक का रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है, ठीक है, जो भी रुका हुआ है उसको रिलीज किया जाएगा जल्दी से जल्दी, और जो भी देयक और जीव पड़े हुए हैं जिससे नसबंदी केसेस के हैं वो भी जल्दी से जल्दी दिलवाए जाएंगे। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।